मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मंडदीप कांग्रेस नगर पालिका दल बद्री सिंह चौहान और भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री सुरेंद्र पटवा एक बार फिर हुए आमने सामने। दरअसल रायसेन मंडदीप के हाई स्कूल मैदान में सरकार की योजनाओं के तहत कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें मंत्री सुरेंद्र पटवा के साथ भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल मंच पर बैठने जा रहे थे। उसी दौरान कांग्रेस के मंडदीप नगर पालिका अध्यक्ष बद्री सिंह चौहान मंत्री सुरेंद्र पटवा के सामने नाराज हुए और कहा कि यह सरकारी कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं, जो पार्टी के नेता मंच पर बैठे। मंच पर केवल नगर पालिका के जन प्रतिनिधि पार्षद अधिकारी ही बैठेंगे, चाहे वह कांग्रेस के हो या फिर बीजेपी के। जब नगर पालिका अध्यक्ष चौहान को गुस्से में देखा तो भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल दर्शक दिग्रह में जाकर बैठे, फिर कहीं जाकर सरकार की योजनाओं के तहत कार्यक्रम शुरू हुआ। जब मंडदीप नगर पालिका अध्यक्ष बद्री सिंह चौहान मंत्री सुरेंद्र पटवा के सामने नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, तब कहीं ना कहीं अपनी छवि खराब होते देख मंत्री सुरेंद्र पटवा ने मौजूद पत्रकारों से कैमरा बंद करने को कहा, जिसकी नगरपालिका अध्यक्ष बद्री सिंह चौहान ने घोर निंदा की और कहा कि मंत्री सुरेंद्र पटवा जी जनता और मीडिया की आवाज को दबाना चाह रहे हैं। आपको बता दें, मंत्री सुरेंद्र पटवा और मंडदीप कांग्रेस के नगरपालिका अध्यक्ष बद्री सिंह चौहान कुछ दिन पहले भी आमने सामने हो चुके हैं। दरअसल मंत्री सुरेंद्र पटवा ने कुछ दिन पहले कांग्रेस के नगरपालिका अध्यक्ष बद्री सिंह चौहान पर यह आरोप लगाया था कि उनके कार्यकाल में विकास जीरो है। उसी दौरान मंत्री और नगरपालिका अध्यक्ष के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। ये सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं भी और केंद्र सरकार की भी योजनाएं हैं। ये शासकीय कार्यक्रम है मेरे भैया, भारतीय जनता पार्टी का तो कार्यक्रम है नहीं। आप अतिथि हो भैया, सामने मंच के सामने कुर्सियां लगी, वहां पे आके डटो यार। तुम तो राजनीति अखाड़ा बना लेते हो यार, जा देखो वहीं पे हट जाते हैं। तो लोगों को तो कम से कम योजनाओं का फायदा तो पहुंचे, आस लगा के उम्मीद लगा के हमारी माता बहने बैठी हुई है, तीन तीन चार चार घंटे से इंतजार कर रही है। मालूम पड़ा कि मंच पे जाके पूरी की पूरी पार्टी के लोग डट जाते हैं। आप जब मंत्री जी से बात कर रहे थे कि ये जो पूर्व जिलाध्यक्ष मंच पे नहीं जाएंगे, उस दौरान मंत्री जी ने कहा मीडिया से कैमरा बंद कर लो, क्या कहना है उस समय? नहीं, वो ये मान के चलो जनता की आवाज दबा रही और मीडिया की आवाज दबाना चाहते हैं। कुल मिला के ये जनता से पूछे तो इन चीजों का कि भाई ये कर क्या रहा है। हर जगह भेदभाव की राजनीति हो रही है, बेचारे लोगों को पैसे वाला बनता जा रही है, गरीब आदमी गरीब होता जा रही है।